नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। विदर्भ में हर गांव में जल संरक्षण के कार्य किए जाए और जल संग्रहण बढ़ाया जाए, जिससे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। यदि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है तो किसान की आय दुगनी या तिगुनी हो जाएगी। जब तक सिंचाई में वृद्धि नहीं होगी तब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे। जल संरक्षण से पानी उपलब्ध होता है और इसीलिए सिंचाई में वृद्धि होती है। उक्त उद्गार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। वे यहां वर्धा जिले में धाम नदी पुनर्वास परियोजना और मोती नाला जल संरक्षण परियोजना के निरीक्षण व जल पूजन पश्चात समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गडकरी के साथ सांसद रामदास तड़स, रामदास आंबटकर, दादाराव केचे, विधायक पंकज भोयर, कलेक्टर श्रीमती देश भ्रतार उपस्थित थी। गडकरी ने कहा कि वर्धा जिला सहित विदर्भ के कुछ जिले किसानों की आत्महत्या के मद्देनजर प्रसिद्ध हो गए हैं, क्योंकि इन जिलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। कुएं हैं लेकिन सिंचाई नहीं है, इसके चलते किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन किसानों के आत्महत्या के मामलों को कम करने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए गाँव में छोटे पैमाने पर जल संरक्षण परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। इस साल महाराष्ट्र विधानसभा का तीसरा शीतकालीन सत्र नागपुर में 7 दिसंबर से प्रस्तावित है। इस संबंध में तैयारियों का नियोजन करने के लिए सोमवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव राजेंद्र भागवत की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। कोविड के मद्देनजर इस अधिवेशन के लिए विशेष एहतियाती तैयारी की जाएगी। नागपुर में विधान भवन के मंत्री परिषद दालन में प्रधान सचिव भागवत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, जिला अधिकारी विमला आर, नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधा कृष्णन बी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, सूचना व जनसंपर्क महासंचालनालय के संचालक हेमराज बागुल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉक्टर संजय जायसवाल सहित विविध संबंधित विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। महाराष्ट्र विधान परिषद सभापति के उप सचिव राजेश तारवी, अवर सचिव रविंद्र जगदाले, महाराष्ट्र विधान परिषद उप सभापति के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर अनिल महाजन, विधान भवन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप चौहान, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय के जनसंपर्क अधिकारी तथा सचिव सुनील जोरे, विधान भवन के पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र के संचालक नीलेश मदाने, विधि मंडल के पद्धति विश्लेषक अजय सरवनकर भी बैठक में उपस्थित थे। शुद्ध पेयजल नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जिले के कई गांव में पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हुआ है, साथ ही जलापूर्ति योजनाएं खस्ताहाल है। ऐसे में जिला परिषद सदस्यों के साथ सभी जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण कर जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। इस आशय के निर्देश पशुपालन, डेयरी व्यवसाय विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने जीवित प्राधिकरण के उप अभियंताओं को दिए हैं। कलेक्ट्रेट के बचत भवन हॉल में ग्रामीण जलापूर्ति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमे उक्त निर्देश केदार ने दिए। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, कलेक्टर विमला आर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, मनपा के अपर आयुक्त राम जोशी, अरविंद काटकर आदि उपस्थित थे। केदार ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन कार्य लंबित है। जीवन प्राधिकरण को इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और कार्य में तेजी लानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को स्वच्छ जल व्यवस्था से हम और कितने साल वंचित करते रहेंगे, इसके लिए पदाधिकारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी सोचना और उचित योजना बनाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों की पेयजल की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। राज्य सरकार ने भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में आज ईद ए मिलाद मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर विमला आर ने आह्वान किया है कि ईद ए मिलाद को सादगी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर बड़े पैमाने पर भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है, इसीलिए जब भी संभव हो ईद ए मिलाद घर में ही मनानी चाहिए। यदि जुलूस निकालना है तो पुलिस प्रशासन की पूर्व अनुमति से अधिकतम 5 वाहनों की अनुमति होगी।
यदि जुलूस के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ध्वनि संचरण की व्यवस्था की जाती है तो ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि जुलूस के दौरान स्वागत मंडप का निर्माण करना हो तो संबंधित पुलिस विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा शासन के नियमानुसार निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस पंडाल में एक बार में कम से कम एक नागरिक अवश्य शामिल हो। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। सरकारी नियमों के अनुपालन में प्रवचन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाने चाहिए। केबल टीवी, फेसबुक आदि के माध्यम से प्रसारण के माध्यम से देखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाल ही में नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन NRHA की वार्षिक आम सभा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेनू की अध्यक्षता में होटल दर्शन टावर्स में संपन्न हुई, जिसमें NRHA की वर्ष 2021 से 2023 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर पुनः तेजिंदर सिंह रेनू व सचिव पद पर पुनः दीपक खुराना निर्वाचित हुए। NRHA के अन्य पदाधिकारियों में इंद्रजीत सिंह बावेजा व डॉक्टर गणेश गुप्ता उपाध्यक्ष, विनोद जोशी कोषाध्यक्ष, नितिन त्रिवेदी व अचफल मीठा सह सचिव के रूप में चुने गए तथा प्रकाश त्रिवेदी अध्यक्ष रहेंगे। NRHA के कार्यकारिणी सदस्यों में गोविंद मुदलियार, संतोष गुप्ता, तरुण मोटवानी, संजय अग्रवाल, महेश त्रिवेदी, ऋषि तुली, अजय जायसवाल, वासुदेव त्रिवेदी, राजेश धार्मिक, शिवम गुप्ता, विजय चौरसिया, विशाल जायसवाल, शारिक हाफिज व अनिस ओपई चुने गए। NRHA के कोषाध्यक्ष विनोद जोशी ने सभा के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के ऑडिटेड अकाउंट्स व बैलेंस शीट प्रस्तुत किए, जिसे सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। साथ ही वर्ष 2021 से 22 के लिए JS ओबेरॉय एंड कंपनी को ऑडिटर के रूप में पुनः नियुक्त किया। आम सभा में चंद्रकांत चौरसिया, शत्रुघ्न वारंभे, H. राठौर, राजेश विधरन, अर्जुन बुंदीवाल, कन्हैया एन शर्मा, राम अवतार गुप्ता, अभिराम तापस, दुर्गेश जायसवाल व अन्य सदस्य उपस्थित थे। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष, समाज सेवी तथा APMC के पूर्व निदेशक प्रकाश वाधवानी नागपुर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के आगामी चुनाव में खड़े हैं। पशुपालन, दुग्ध विकास, युवा कल्याण मंत्री सुनील के नेतृत्व में नागपुर के व्यापारी समुदाय द्वारा उनका प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु वाटोड़ा नागपुर में प्रकाश वाधवानी का स्वागत समारोह आयोजित किया था। इस स्वागत व प्रोत्साहन समारोह में चैम्बर अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया व सचिव राम अवतार तोतला ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चैम्बर की ओर से प्रकाश वाधवानी का APMC चुनाव में समर्थन किया। कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित सुनील केदार ने प्रकाश वाधवानी को जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि APMC मार्केट की बागडोर अनुभवी हाथों में होना आवश्यक है और प्रकाश वाधवानी गत कई वर्षों से व्यापारियों के हितों के लिए APMC मार्केट में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रकाश वाधवानी को पुष्पहार पहनाकर उनका समर्थन करते हुए नागपुर के व्यापारी समुदाय से आह्वान किया कि वे प्रचंड बहुमतों से प्रकाश वाधवानी को विजयी बनाएं। अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि चैम्बर के सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष प्रकाश वाधवानी सदैव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा वे काफी लंबे समय से कृषि उत्पन्न बाजार में व्यापारियों की मदद के बहुत सारे सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। बॉलीवुड के हर गीत के साथ अपनी कुछ यादें जुड़ी होती हैं। अपना भावनात्मक रिश्ता फिल्म के नायक नायिका, उनके संवाद, उनके लिए प्यार गीतों के शब्दों के माध्यम से बनता रहता है। ऐसा ही कुछ यादों को ताजा करने का काम गायकों ने सुनहरी यादें कार्यक्रम के जरिए किया। योगेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मधुर गीतों का कार्यक्रम सुनहरी यादें रविवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को संस्कृति सेलिब्रेशन हॉल दाभा से मनीष पाटिल के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया। कार्यक्रम का आयोजन योगेश मिश्रा ने किया था और आयोजक मुंबई की गायिका अलका चिमनकर थी। इस अवसर पर अतिथि गायक मनीष पाटिल, सूरज शर्मा और भंडारा के गायक गोल्डी, सुचिता गजबिये और रोशन हौकारे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अलका और गोल्डी ने मेघा रे मेघा गाने से की। डम डम डिगा, एक लड़की भीगी, झूठ बोले, रिमझिम गिरे सावन, दिल तड़प तड़प, अब के सावन, जाने मन जैसे गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन ये दिल और उनकी इस गीत के माध्यम से अलका द्वारा किया गया। फैंस ने इवेंट को सराहा।
महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देश्य संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जश्न ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके के पूर्व संध्या पर लोनारा परिसर में औषधीय उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि कृपाल तुमाने, संसद सदस्य, मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे, डॉक्टर अनीस अहमद, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदि उपस्थित थे। ये शैक्षणिक परिसर शहरों की ऊंची इमारतों से दूर प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ का परिसर विभिन्न प्रकार की फूल फल तथा औषधीय पेड़ों से शोभनीय है। औषधीय उद्यान से महाविद्यालय परिसर खूबसूरत तथा उपयोगी साबित हुआ है। औषधीय उद्यान में 300 प्रकार के दुर्लभ और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। उनमें बिनका, बसाका, अशोका, अर्जुना, राम तुलसी, एलोवेरा, डेलिम, कपास, अक्करकारा, जासवंद, भीरगुंडी, गेंदा, पिटोनिया, डेलिया, अदरक, सांबर, लहसुन तथा विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों से उद्यान को सजाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत कृपाल तुमाने, संसद सदस्य, मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे, डॉक्टर अनीस अहमद, पूर्व कैबिनेट मंत्री के हाथों औषधीय उद्यान का उद्घाटन किया गया। कृपाल तुमाने ने जश्न ए ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज हम सभी को प्रेम, दोस्ती और भाईचारे से रहना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ नागपुर सेंट्रल ने नवरात्रि में नौ कन्याओं को भोजन के परंपरा से एक कदम आगे बढ़ते हुए काटोल रोड स्थित कृष्ण कुंज दहेगांव में गांव की जूनियर कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों को शैक्षणिक साहित्य भेंट स्वरूप देकर साथ ही शॉल श्रीफल देकर सभी बालिकाओं का सम्मान किया है। क्लब की पूर्वी अध्यक्षा सीमा श्रीवास्तव, अधिवक्ता राजकुमारी रॉय ने सभी बच्चियों के माथे पर कुमकुम का टीका लगाकर परंपरा का निर्वाह किया। क्लब के अध्यक्ष सतीश बैस व इस पूर्व अध्यक्ष मोहन चौथानी ने इस कार्यक्रम का व्यवस्थापन किया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्याम पांडरी पांडे, वर्ष 2022 से 23 के अध्यक्ष गांधीजी, उपाध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, वरिष्ठ सदस्य अजय पंधे, साथ ही गणेश सिंह तोमर, इन सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी कन्याओं का मुंह मीठा करके हमने उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही अगले वर्ष इस परंपरा को फिर से पालन करने का सभी सदस्यों ने संकल्प लिया व क्लब के अध्यक्ष सतीश बैस ने सभी सदस्यों का आभार मानते हुए कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की। हनुमान मंदिर समाज भवन तांडापेट में आयोजित बैठक में भाजपा बुनकर अघाड़ी मध्य नागपुर की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक गिरीश व्यास ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में खादी ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय सदस्य जय प्रकाश गुप्ता, प्रदेश विंडकर प्रकोष्ठ के संयोजक श्याम चांदेकर, विदर्भ संयोजक गजानन खापरे, शहर महामंत्री रामभाऊ आंबुलकर, मध्य नागपुर अध्यक्ष किशोर पलांदुरकर, नागपुर शहर विंडकर अघाड़ी अध्यक्ष किशोर उमरेडकर, अमोल ठाकरे, पार्षदगण प्रवीण भीसीकर, राजेश घोड़पागे, दीपराज पाटीकर, युवराज निपाने, राजू मौंदेकर, जीतू मोहाड़ीकर, लक्ष्मण पाठराबे व राजेश बहारघरे उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक बुनकर अघाड़ी अध्यक्ष चाराचंद जी खापेकर ने कार्यकारिणी के 110 सदस्यों की घोषणा की। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन किया गया। इस अवसर पर संजू वीरा, विनील चौरसिया, परवेज अहमद अंसारी, डॉक्टर अनिल बाग, भानुमती नंदनकर, संगीता खोत, लता आमनेकर, तुलसी पानीकर, आहट खान, सोनू शाहिद, संजय रामटेके, प्रदीप वासनिक, सुनील नायडू आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। रिटायर्ड मोटिवेशनल स्पीकर कैलाश तानकर ने बॉलीवुड के 5000 गानों को हर 2 सेकंड में पहचानने और 24 मराठी गानों को 1 मिनट में पहचानने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम का आयोजन अमृत भवन उत्तरी अंबाजरी मार्ग रामदास पेट में किया गया था। कैलाश तानकर अपने गीतों और भाषणों के माध्यम से दर्शकों को सकारात्मक ऊर्जा, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। संगीत जगत के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सेलिब्रिटी शेफ विष्णु मनोहर और वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट पवन सोलंकी ने दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मधुकर कामले औरंगाबाद ने समय नृत्य करके कार्यक्रम में रंगत लाई। अंजलि व रूपल ने भजन प्रस्तुत किया।
उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कैलाश तानकर ने 10 मिनट के 6 चरणों में 5000 बॉलीवुड गानों की पहचान करने की कोशिश की, उसमें वह सफल हुए। उसके बाद उन्होंने 1 मिनट में 24 मराठी गानों को पहचान दिया। यह दोनों रिकॉर्ड बनने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। जरीपट का नागपुर स्थित थैलेसीमिया व सिकल सेल सेंटर में थैलेसीमिया व सिकल सेल इन बीमारियों के लिए जागरूकता मुहिम के आयोजन की शुरुआत की गई। इस आयोजन का उद्घाटन प्रमुख अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के हस्ते हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। डॉक्टर विकी रुगवानी, संचालक थैलेसीमिया व सिकल सेल सेंटर, डॉक्टर मनोज मेश्राम, डॉक्टर राकेश कृपलानी व बाला साहब गर्डे मंच पर उपस्थित थे। प्रस्तावना के दौरान डॉक्टर विकी रुगवानी ने बताया कि थैलेसीमिया व सिकल सेल यह आनुवंशिक बीमारियां है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इन बीमारियों से पीड़ित रोगियों को व उनके परिवार वालों को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर रुगवानी ने बताया कि थैलेसीमिया व सिकल सेल के रोगियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। दिव्यांग अधिकार के तहत थैलेसीमिया व सिकल सेल के रोगियों को शिक्षा में तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अभी भी रोजगार में आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन्होंने रामदास आठवले से अनुरोध किया कि थैलेसीमिया व सिकल सेल के रोगियों को जिस तरह शिक्षा में आरक्षण मिल रहा है, उसी तरह रोजगार में भी जल्द से जल्द आरक्षण मिले। प्रमुख अतिथि रामदास आठवले ने अपने भाषण में कहा कि इस मुद्दे का जल्द ही हल निकाला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, गृह मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित सुदर्शन भारत परिक्रमा के दौरान संयुक्त तत्वावधान में पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड हैदराबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के ब्लैक कैट कमांडो कार रैली को 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले से झंडी दिखाकर रवाना किया था। उसमें 16वें दिन हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना की गवर्नर मतमिलिसाई सुंदर राजन की उपस्थिति में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन कर स्वागत किया गया। केंद्र द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक प्रस्तुति की गवर्नर ने सराहना की। इस अवसर पर शहर के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार, NSG मुख्यालय के महानिरीक्षक शालिन उपस्थित थे। सुदर्शन भारत परिक्रमा इस कार्यक्रम में कुमारी मालविका आनंद एवं समूह द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी गई। मालविका आनंद ने संपूर्ण दक्षिण भारत में 300 संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है। ऑल इंडिया रेडियो की कलाकार है, कई पुरस्कारों से सम्मानित है एवं नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सी सुरेश एवं समूह द्वारा मनमोहक ओग्गू ढोलू की प्रस्तुति हुई। 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर कन्हान परिक्षेत्र में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कन्हान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कन्हान परिक्षेत्र के बौद्ध अनुयायी एवं विविध सामाजिक धार्मिक राजनीतिक पार्टियों सामाजिक संगठनों द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को विनम्र अभिवादन कर पंचशील त्रिशरण का पाठ किया गया। साथ ही भव्य भोजन दान का आस्वाद नगरी के तमाम जनता ने उठाया। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पठन कर गांव वासियों में वितरित किया गया। याद रहे 14 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों को दीक्षा प्रदान की थी। अभिवादन करने हेतु कार्यक्रम का सूत्र संचालन अखिलेश मेश्राम ने किया। साथ ही SDPO मुख्यतर बागबान कन्हान पुलिस स्टेशन थानेदार विलास काले API सतीश मेश्राम इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर शुरुआत की। कार्यक्रम में विशेषतः प्रशांत वाघमारे, शैलेश माटे, सतीश भासारकर, गौतम नितनौरे, अश्वमेघ पाटिल, सुशील कलमकर, रोहित मानवटकर, आकाश महातो, रविंद्र दुपारे, निखिल रामटेके, विक्की उके, योगेश बाबू रंगारी, मनीष भ्यूगड़े आदि उपस्थित थे। स्थानीय डॉक्टर शेख बुनकर हाउसिंग कॉलोनी के म्यूटेशन की मांग को जिलाधिकारी R विमला के प्रस्ताव पर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने पर राकापा कामटी शहर अध्यक्ष शोएब असद ने उनका आभार व्यक्त किया।
ज्ञात हो कि म्यूटेशन किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामठी शहर के अध्यक्ष शोएब असद की ओर से एक लिखित निवेदन राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट को भेजा गया था। इसके अलावा संबंधित विभागों को भी इस समस्या से अवगत कराया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी ने इस प्रस्ताव पर विचार कर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने उसे मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कामठी शहर अध्यक्ष शोएब असद के प्रयासों को सफलता भी मिली। इस प्रलंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर बुनकर कॉलोनी वासियों ने राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, राकापा के शहर अध्यक्ष शोएब असद, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव नौशाद सिद्दीकी, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, जिला अधिकारी आर विमला का आभार व्यक्त किया है। अंसारी बुनकर समाज के लिए इस्माइलपुर वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कामठी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा फ्रेंड्स वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वर्ष 1959 से 1960 में सरकारी जमीन 11 एकड़ खरीदी की थी। अब इस मामले में सभी समस्याएं सुलझ गई है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा सोमवार को हिवरी नगर के संताजी हॉल में महापौर नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से नरेंद्र बोरकर मौजूद थे। महापौर दयाशंकर तिवारी की संकल्पना और पहल से आजादी 75 के तहत महात्मे आई बैंक के सहयोग से पूरे शहर में 75 नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से 75 दंत चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। दोनों शिविर हिवरी नगर के संताजी हॉल में आयोजित किया गया है। इस दौरान नागरिकों की आंखों की जांच की गई और उन्हें नंबर दिए गए। मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को सर्जरी के बारे में मार्गदर्शन दिया गया, साथ ही डेंटल कैप में दांतों की सफाई व फिलिंग भी कराई गई। जांच में उन लोगों को भी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जिन्हें मुंह के कैंसर का खतरा है। आगे के लिए रेफर किए मरीजों का इलाज सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल में सरकारी दरों पर किया जाएगा। इसके लिए कैप में आने वाले मरीजों के लिए अलग कमरे और अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। अस्तित्व फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश मोतीराम हेडाउ पिछले 25 वर्षों से किसी न किसी प्रकार से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने कार्य से और लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से अस्तित्व फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से निरंतर समाज हित के कार्य आज भी चालू है। सैकड़ों बच्चों को संस्कार क्षम एवं उनके व्यक्तिमत्व विकास के लिए कार्य जारी है। हर वर्ष सैकड़ों गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री की मदद करना, इसके अलावा अंधश्रद्धा एवं कुप्रथाओं के बारे में जागरूक करना, अग्नि सुरक्षा, रास्ता सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्रेरणादायक उद्देश्य आदि विषयों पर स्कूली बच्चों को शिक्षित करने का कार्य स्वयं कर रहे हैं। अपने प्रयास से बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर उन्हें आवश्यक मदद भी दे रहे हैं। साथ ही साथ समाज को रोग मुक्त बनाने हेतु निरंतर चिकित्सा जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। स्वयं आज तक 30 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। फिलहाल चल रही कोरोना महामारी के समय में पिछले वर्ष से जरूरतमंद एवं गरीब मजदूर परिवार को अनाज एवं किराना सामान की मदद करना, भोजन व मास्क का वितरण करना आदि कार्य उनके मार्गदर्शन में संस्था की ओर से किए जा रहे हैं। अल अजीज सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज एजुकेशन सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष हाजी शोएब कुरैशी के नेतृत्व में स्वास्थ्य वर्धक फल व बिस्किट का वितरण संस्था सचिव अब्दुल अमानी कुरैशी, मोहम्मद जावेद, मंगेश चोपड़े सहित सभी पदाधिकारियों ने मेयो अस्पताल के विभिन्न वार्ड में वितरण किया। संस्था सचिव अब्दुल अमानी कुरैशी ने बताया कि विगत 12 साल से संस्था ईद की पूर्व संध्या पर यह आयोजन नित्य रूप से करती आ रही है। पैगंबर ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा बीमार, असहाय व यतीमों के प्रति स्नेह रखा और उन्हें हर संभव सहायता दी। धर्मावलंबियों को यतीमों के लिए कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कुरान के चौथे पारे में यतीमों के बारे में स्पष्ट रूप कहा गया है कि जो लोग यतीमों का माल नामक खाएंगे वो जहन्नम की दहकती आग में जलाए जाएंगे और बरोजे कयामत उनके पेट आग उगल रहे होंगे।
पैगंबर सल्लम ने यतीमों की परवरिश करने की बहुत बड़ी फजीलत बयान की है। पैगंबर के जन्मदिन पर शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियां, स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर का आयोजन इस दिन की महत्ता को बल प्रदान करती है। भानेगांव बिना परिसर के वेकोली ने किसानों की जमीन अधिग्रहित की है, जिस कारण स्थानीय युवक बेरोजगार हो गए। स्थानीय बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार देने के लिए भानेगांव सरपंच रविंद्र चिखले के नेतृत्व में वेकोली पर मोर्चा निकाला गया। इस दौरान वेकोली के संबंधित एरिया मैनेजर अग्रवाल, वेकोली के ठेकेदार उपस्थित थे। मोर्चे में वेकोली संबंधित अधिकारी ने 8 दिन का समय मांगा है। यदि 8 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो काम बंद करने का इशारा दिया गया है। आंदोलन में संजय गोठे, कैलाश सिंह ने, वसंता सिंदूरकर, कृष्णा गोंडे, रविंद्र सिंदूरकर, डोमा असूटकर समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।